जीवन मुझे अधिक जीवन नजर आने लगा है। मैं आकाश की ओर देखकर, एक फूल की तरफ देखकर आनंदित हो सकती हूँ। ये ऐसी चीज़ है जो मैं पहले नहीं जानती थी, बल्कि साधना पद में आने से पहले मैं एक चिड़चिड़ी टीनेजर थी। अगर आप 18 से 25 साल के बीच की शहरी जनसंख्या को देखें, किसी वर्णन से परे कारण से, आमतौर पर उनका भौतिक ढांचा ऊर्जा को गहराई से सक्रिय किए जाने के लिए तैयार नहीं होता। अगर आपकी ऊर्जा को नृत्य करना है तो आपको एक स्थिर मंच की जरूरत है। इसके लिए आपको एक साधना की जरूरत है। साधना का अर्थ यही है। कितने लोगों को 7 महीने के लिए आश्रम आने, स्वयंसेवा करने, यहाँ रहने का मौका मिलता है। यह अद्भुत है। और यहाँ आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जिनकी दिनचर्या आपकी तरह है। वे उसी से गुजर रहे हैं जिसे आप गुजर रहे हैं। इससे एक जुड़ाव पैदा होता है। अब मुझे महसूस होता है कि मैं अधिक अनुशासित हूँ। मैं अपने रास्ते में आने वाली समस्याओं के ज़्यादा समाधान ढूंढ सकता हूँ। अगर मैं उन दिनों को याद करूं जब मैंने साधना पद शुरू किया, तो मैं देख सकता हूं कि मैंने लंबा सफ़र तय कर लिया है। मैं बहुत बदल गया हूं। जैसे एक जगह पर बैठना पहले बहुत बड़ी समस्या थी, मगर इतना योग करने के बाद मैं इस स्थिति में आ गया हूं जहां मैं यूं ही बैठ सकता हूं। पहले मैं इस तरह का इंसान था जो हमेशा अपने दोस्तों के गैंग के बीच खुश रहता था, मगर अब मैं कह सकता हूं कि हर कोई मेरा गैंग बन गया है। इस पूरी प्रक्रिया ने वाकई मुझे खुद को स्थिर करने में मदद की। इन लोगों से घिरे होना, दूसरे लोगों को साधना करते देखना, खुद को प्रेरित होते देखना, इससे बहुत बड़ा बदलाव आया, क्योंकि ये कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था। साधना एक गहन और अद्भुत जीवन के लिए शरीर को तैयार करती है। तो इसी उद्देश्य से हमने ये साधना पद शुरू किया। हम इसे एक दूसरे स्तर पर ले जाना चाहते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे कि वो कौन सी एक चीज है जो मैं अपने साथ ले जाना चाहूंगा, तो वह होगी आभार शब्द का अर्थ। ईमानदारी से कहूँ तो मैं नहीं जानता कि वो क्या होता है, और ये मेरे लिए न सिर्फ मेरी यूनिवर्सिटी में या वापस जाने पर घर में मददगार होगा, ये हर जगह मेरी मदद करेगा। अब नज़रिया पूरी तरह बदल चुका है। योग मुझे ऐसी जगह ले आया है, एक ऐसा नज़रिया और बोध आ गया है जिसमें मैं समस्याओं को हल करने वाला और समाधान का हिस्सा बनना चाहता हूँ। ये कहना कि ये करने लायक था, इसे कम मांगना होगा। मतलब मैं इसे फिर से करने के लिए तैयार हूँ। आपके फोन में आए दिन अपग्रेड होते हैं, लेकिन ये अपग्रेड नहीं हो रहा। इंसानों की उन्नति करना, मानव चेतना को ऊंचा उठाना सबसे जरूरी चीज है।